नमस्कार, मैं बॉबी झा, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। भारत में बड़े धमाके की फिराक में आईएसआई और आईएसआईएस विश्व भर में फैल रहे आतंकवाद से सभी देश परेशान हैं। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही। जानकारी के अनुसार आईएसआई और आईएसआईएस द्वारा भारत में बड़े धमाके करने की फिराक में है। इस खबर से पूरे देश में हड़कंप मच गया है। केंद्रीय खुफिया एजेंसी ने गृह मंत्रालय को भेजे रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान की आईएसआई भारत में बड़े फिदायीन हमले कराने के लिए जैश और आईएसआईएस के आतंकियों को करीब ला रही है। जानकारी के अनुसार आईएसआई ने कुछ दिनों पहले अफगानिस्तान में जैश और आईएसआईएस के आतंकियों के बीच गुप्त बैठक कराई है। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान की आईएसआई जैश और तालिबान को भी एक साथ लाने की तैयारी में पिछले कई महीनों से लगी हुई है, जिससे कश्मीर में पुलवामा जैसे और हमले कराए जा सके। मिली जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि जैश के आतंकी अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकवादियों के साथ लंबे वक्त से नाटो फोर्सेज के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में हम इस नए इनपुट पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन जिस तरह जैश और आईएसआईएस के बीच मेलजोल बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। श्रीलंका फिर हमले की अलर्ट, सेना की वर्दी में घूम रहे आईएस आतंकी। श्रीलंका में हुए सीरियल बम धमाके के बाद वहां तनाव बढ़ गया है। पूरे देश में तनाव का माहौल है। इस बीच एक बार फिर हमले की चेतावनी जारी की गई है। सुरक्षा अधिकारियों ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि इस स्तर पर बम धमाकों को अंजाम देने के बाद इस्लामिक स्टेट यहां पर और हमलों को अंजाम दे सकते हैं। जानकारी के अनुसार अलर्ट में कहा गया है कि आतंकी सेना की वर्दी पहन कर वे इनका इस्तेमाल करते हुए धमाकों को अंजाम दे सकते हैं। हालांकि ईस्टर के मौके पर हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में 350 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इस हमले में 500 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। तो एमएनएस न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।